श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
हेलो, एक बार फिर जोर से तालियां बजाकर इन सभी कलाकारों का धन्यवाद करें और भी जोर से। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे। आप सबका आज के स्पेशल दिन में, दशहरा और रावण दहन, रावण दहन के दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं अल्बर्टा गुजराती एसोसिएशन और साथ में भारत जुल्का का, जो हर समय जो भी बढ़िया प्रोग्राम होता है, जो भी अच्छे सिंगर होते हैं, वो आपके मंदिर में हमेशा लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अल्बर्टा गुजराती एसोसिएशन एंड भारत जुल्का। उसके साथ साथ जो भारत से इतने अच्छे मेलोडियस सिंगर आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले नाम है आसिफ जरिया का, आसिफ जरिया, और उसके उनके साथ साथ दे रही हैं, बहुत ही सुंदर आवाज़ है। कल मैंने YouTube पे और कई और प्रोग्राम पे इनका देखा, तो बहुत ही सुंदर आवाज़ में बहुत से फिल्मी गाने भी इन्होंने गाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर गायिका हैं। संगीता कुलकर्णी, ये भी भारत से आए हैं, और इनके साथ जितने भी म्यूजिशियन हैं वो सभी भारत से आए हैं। और कीबोर्ड पर जो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम दे रहे थे कीबोर्ड पर, चिंतन जी कीबोर्ड पर, तबला पर जो पिछले साल भी आपके मंदिर में आए थे, प्रकाश जी तबला पर, बहुत ही सुंदर तबला, और ऑक्टोपैड पर भार्गव ऑक्टोपैड पर, बहुत बहुत धन्यवाद इन कलाकारों को, इन्होंने आज के कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, कल रात आपने सबने रामलीला देखी, आज रावण दहन है, और उससे पहले ये इतना सुंदर प्रोग्राम आपके मंदिर में अल्बर्टा गुजराती एसोसिएशन और भारत जुल्का की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका। और साथ में धन्यवाद करता हूँ एल करीम का, जिन्होंने अनबीटेबल क्लैरिटी इन हिज साउंड, ब्यूटीफुल साउंड बाय अल करीम। जब भी रामलीला होती है या जागरण होता है तो हमें बहुत ही प्राउड है अल करीम पर, बहुत ही सुंदर साउंड देते हैं। सभी कलाकारों का थोड़ा सा धन्यवाद करने के लिए, अप्रिसिएशन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बोर्ड मेंबर से, जी भारद्वाज से, सभी बोर्ड मेंबर से, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड ऑनर दिस म्यूजिशियंस। सबसे पहले आसिफ जरिया, जो जिन्होंने मेलोडियस सिंगर अलग आसिफ जरिया, उसके बाद नाम आता है संगीता कुलकर्णी, मेलोडियस सिंगर संगीता कुलकर्णी, कीबोर्ड पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा चिंतन जी से कीबोर्ड पर आगे आए, चिंतन कीबोर्ड पर, तबला पर प्रकाश जी तबला पर, भार्गव ऑक्टोपैड पर भार्गव जी, ये सभी कलाकार भारत से आए हैं और आपके मंदिर में इतना अच्छा प्रोग्राम देके जा रहे हैं, हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आगे के प्रोग्राम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चंद्र भगवान की, जोर से बोलिए एक बार फिर, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आप सभी को विजयदशमी के पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और मुझे बहुत गर्व है, आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए मेरे साथ साथ कि आपका मंदिर एकमात्र ऐसा है जिसमें रामलीला भी हुई और आज रावण दहन भी होगा। रावण बाहर स्थापित हो चुका है और थोड़ी देर में
रावण वध की लीला होगी और फिर रावण का दहन होगा। तो रावण का दहन सिंबल है कैसे बुराई के ऊपर अच्छाई की, अधर्म के ऊपर धर्म की, असत्य के ऊपर सत्य की विजय होती है। सत्य ही अंत में विजयी होता है, यही रावण का दहन दिखलाता है। तो आइए हम इस शुभ अवसर पे, विजयदशमी के अवसर पर मिलकर आगे बढ़ें। और मैं आभारी हूँ प्रफुल्ल भाई पटेल का और मधुसूदन सोनी जी का, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। आपने जो कल रामलीला देखी उसमें भी ऐसा नहीं कि केवल जो कलाकार थे वो ही थे, कई सौ लोग जुड़े हुए थे, 200-300 लोग जुड़े हुए थे, 2-3 महीने से कंटिन्यूस जिन्होंने कुछ घंटे का शो किया। और रावण जो 2 मिनट में ही जल जाएगा, लेकिन उसके पीछे एटलीस्ट 2 महीने का परिश्रम है। तो जब कोई चीज़ आप सामने लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसके पीछे बहुत लंबी मेहनत की यात्रा होती है। बहुत से नाम ऐसे होते हैं जिनको हम सुन लेते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो नींव का पत्थर बन जाते हैं, दिखाई तो नहीं देते लेकिन उन्हीं के ऊपर जो पूरी मंजिल है वो खड़ी होती है। तो आप सब हमारे साथ मिल के आज रावण का दहन करेंगे। आप सबको फिर विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, कोजागिरी व्रत की शुभकामनाएं और आने वाले पर्वों की शुभकामनाएं। 18 अक्टूबर मंगलवार को करवा चौथ का व्रत होगा। प्लीज़ 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 डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ऐसा कुछ नहीं। 19th जो है इंडिया में है, वहाँ की कैलकुलेशन डिफरेंट हैं, यहाँ की डिफरेंट हैं। एडमिंटन में जो चतुर्थी तिथि है वो 18th को शुरू होगी 11 बजे और 19th को सुबह 9 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो 19th को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में नहीं होगा। विद रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू से दैट इट इज़ ऑन 18th, एंड इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग ऑन 19th, आई एम सॉरी टू से दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और उसके बाद 22 तारीख को अहोई अष्टमी होगी और 29th अक्टूबर को हम आपके साथ दीपावली मनाएंगे। आने वाला पूरा महीना खुशियों का और त्योहारों का भरा हुआ है। आप सभी को शुभकामनाएं, और अब जीत जी से प्रार्थना है कि वो आगे आए और हमें गाइड करें। जीत भारद्वाज जी, प्यार से कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका आपके अपने मंदिर में हार्दिक स्वागत है। आसिफ जी, संगीता जी की मधुर आवाज में आप सब ने भजनों का आनंद लिया। मैं अपनी तरफ से, समूह बोर्ड की तरफ से धन्यवादी हूँ इस पूरी टीम का, जिन्होंने आज इतनी मधुर आवाज में हमें भजन सुनाए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अलबर्टा गुजराती एसोसिएशन का, वर्त जिलका जी का, जिनके प्रयासों से आज इतनी मधुर आवाज में भजन सुनने को मिले। आज का प्रीतभोज हरमेश कुमार एंड जमाई राव फैमिली की ओर से आयोजित किया गया है। जमाई राव जी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे जमी राव जी, भगवान आपको अच्छी सेहत और लंबी आयु प्रदान करे। मैं धन्यवादी हूँ हरमेश और जमी राव का, फैमिली का, भगवान इनकी हर मनोकामना पूरी करे और फैमिली में खुशियाँ प्रदान करे। नेक्स्ट वीक का प्रीतिभोज रवि प्रकाश फैमिली की ओर से आयोजित किया जा रहा है और आप सबको उसमें शामिल होने का निमंत्रण है। करवा चौथ का पर्व मंगलवार अक्टूबर 18 को आ रहा है। आपके मंदिर में करवा चौथ की पूजा और कथा शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी और डिफरेंट ग्रुप में 8:30 बजे तक ये पूजा और पूजा और कथा चलती रहेगी। दिवाली का महाउत्सव अक्टूबर 29 सैटरडे को मंदिर में मनाने जा रहे हैं। और पिछले सालों की तरह पार्किंग लॉट में फायरवर्क्स भी होगा। फायरवर्क्स के लिए सिटी ऑफ एडमिंटन के खास हदायतें हैं, फायर स्पेशलिस्ट ही फायरवर्क्स कर पाएगा। उसके अलावा घर से लाए हुए पटाखे फायरवर्क्स आप पार्किंग लॉट में नहीं चला सकते, इसके लिए खास पाबंदी है। जलाराम बापा के डिवोटीज अक्टूबर 20 को शाम 5 से 8:30 भजन संध्या करने जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बसंती बहन से संपर्क कर सकते हैं। जो अनाउंसमेंट मैंने सबसे पहले करनी थी बाद में कर रहा हूँ। जी हाँ, रामलीला, रामलीला के लिए आपने
बहुत ही आनंद लिया, बहुत ही सुंदर प्रोफेशनल तरीके से रामलीला की गई। रामलीला के डायरेक्टर अरविंद एरी जी को बहुत बहुत बधाई, और उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ रामलीला का को प्रेजेंट किया। धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय पंडित लक्ष्मण जी का और पंडित दीक्षित जी का, जिन्होंने रामलीला के हर सीन के बारे में जानकारी दी। मैं धन्यवादी हूँ प्रफुल्ल भाई का, जिन्होंने 3 महीने की सख्त मेहनत से रावण का पुतला बनाया। प्रफुल्ल भाई के लिए, उन सभी वॉलंटियर्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं। लेकिन सॉरी टू से प्रफुल्ल भाई, आज आपकी 3 महीने की मेहनत को फायर वर्क के साथ मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यही जिंदगी का साइकिल है। दिवाली का दिन प्रीति बोध का स्पॉट अभी खाली है। अगर आप दिवाली के आपने मंदिर के एंट्रेंस में भगवान का दिखाई देता हुआ इस खुश को इसने को हो चुका है। कल हमने रामलीला छोड़ी थी जब कुंभकर्ण वध के बाद अपने सभी बंधुओं, अपने पुत्र सबके मरने के बाद विक्षिप्त हुआ रावण, बौखलाया हुआ रावण अपने रौद्र रूप में आ पहुंचा है, और अब आ पहुंचा है वो अपने इस रावण रूप से मुक्ति के लिए प्रभु राम के पास, जहां पर आज प्रभु राम रावण का अंत कर श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। इससे पहले अभी हम आज की कथा शुरू करें, मैं चाहता हूं कि एक बार आई नो सारे उनका बहुत धन्यवाद कर चुके हैं, पर जो हमारे सिंगर्स का जो अल्बर्टा गुजराती एसोसिएशन के सहयोग से यहां पहुंचे हैं, इन्होंने हमारा दिल जीत लिया, तो कृपया एक बार तालियां बजाकर एक बार पुनः इनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और कृपया एक बार तालियां फिर बजाइएगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, जिन्होंने 1 महीने पूरी मेहनत की और कल इतना सुंदर शो किया, और आप आज उसकी अंत का समय आ गया है। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी वॉलंटियर्स, प्रफुल्ल भाई, मधुसूदन भाई, जिन्होंने कि आज रावण का पुतला खड़ा किया, बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका। और अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि रामा दल भी आ पहुँचा है रावण का अंत करने के लिए, तो अब रावण दल स्टेज पर आ जाए। जी जी चली है बाहर।
लड़ने को देखना। जय शिव शंकर। काल काल आ सकता नहीं, मेरे पंजे से किसी को कोई बचा सकता नहीं। Hey!
राक्षसों का संहार हो चुका है और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार है। राम रावण युद्ध, राम रावण युद्ध, ये युद्ध अंदर भी होगा और हम बाहर जाके भी इस युद्ध को देखेंगे। रावण की नाभि में अमृत है, इसीलिए कहते हैं घर का बेदी लंका डावे। धन्यवाद विभीषण जी, अब मैं ब्रह्मास्त्र चला के रावण की नाभि का अमृत सुखा दूंगा और इसके पापों का अंत करूंगा और इस धरती को इसके पाप के बोझ से मुक्त करूंगा। क्यों प्रतीत होता है रावण भाग गया है? हमें भी युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो भ्राता, चलो। आप लोग प्लीज धीरे धीरे शांति से उठ के बाहर जाएं, बाकी का युद्ध बाहर होगा, बट बी वेरी केयरफुल। अगली बार कोशिश करेंगे मूंगफली का ठेला भी लगा दें बाहर, रेवड़ी का, मूंगफली का ठेला या पेठे का या दालों का आगरा से मंगवाएंगे तो लगाएंगे आपके। ठीक है, हाँ पहले बार मिठाइयों में बताइए बच्चे को, छोटी छोटी बातें बहुत याद रहती है। आई थिंक 40 साल पहले की बात है जब मैं अपने ग्रैंड फादर के साथ रावण का दहन देखने जाता था, पर अभी भी मुझे याद है। तो हमारे यहाँ परंपरा है, हनुमान जी भी भगवान राम लक्ष्मण को कंधे पर उठा के लेके गए थे, तो एक राइट शोल्डर पे राम जी और लेफ्ट पर लक्ष्मण जी को बिठाया था। इतनी तो हम लोगों में शक्ति नहीं कि दो बच्चे बिठा लें एक साथ, लेकिन एक तो बिठा ही सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को बिठाइए, एंजॉय करिए, अगर थक गए तो उतार दें। हाँ दो तीन ने तो बिठाया, आपने बिठाया, हाँ ऐसे उनको बताइए कि वो ऐसे कंधे पर बिठाते हैं। तो शंख बज गया, भगवान राम निकल चुके हैं और इस समय जो ट्रक है उसके ऊपर सारे कलाकार चढ़ रहे हैं और उसके बाद ये ट्रक एक बार पूरे यात्रा करेगा, यहाँ पे आएगा और उसके बाद शुरू होगा राम रावण युद्ध। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए लंकापति रावण की। रावण की जय बोलते हैं, बोलिए
जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की, मेघनाथ की, मेघनाथ तो कल ही मर गया, जय बुला रहे। तो अगले साल कोशिश होगी तीन हम बनाए, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण, और जो मेघनाथ कुंभकर्ण रावण वध की लीला है वो यहीं पर होगी। तो आप थोड़ी देर में ट्रक तैयार होने वाला है और उसके बाद आपके सामने आएंगे राम, लक्ष्मण और उधर रावण, क्योंकि मेघनाथ और कुंभकर्ण का तो कल वध हो गया। तो जो रावण है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हे है, भूसा भरा है, उसमें घी है, इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो है क्रैकर्स हैं, इलेक्ट्रिकल फायर है, तो बहुत ज़्यादा जो मैकेनिकाइज रावण बना हुआ है इस बार आप देखेंगे, तो फायर ब्रिगेड यहाँ पर ऑलरेडी है। तो बहुत बड़ा इस बार रावण में चेंज है, आप जो देखेंगे बिल्कुल उसकी जो आवाज़ है वो इंडिया की तरह होगी, इतने पटाखे उसमें भरे गए। बस थोड़ा दिल थाम के रहिए और मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण का जिसकी आवाज आ गई समझो फिर। तो रावण जो है अपने राक्षसों के साथ ट्रक पे चढ़ चुका है, आप देखें पीछे, और थोड़ी देर में ये ट्रक जो है उसको विमान लेके आने वाला है। रावण को, रावण के राक्षस परिवार को, राक्षस कुल को, तो आप रावण के पीछे दे सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लाइव जो है फेसबुक पे डाल सकते हैं। रावण के दर्शन क्यों होते हैं Thank you.
Jai Shri Ram, 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 Jai Shri
जय श्री राम। Hello, hello. Hello. Hello, hello. लक्ष्मण, रावण जैसा ज्ञानवान, रावण जैसा पंडित समस्त इतिहास में भारतवर्ष में नहीं हुआ है। तुम जाके इससे थोड़ा ज्ञान हासिल करो। जो आज्ञा प्रभु। रावण, ज्ञानवान कोई तुम सारा निशि विदारित पंडित हो, तुम सारा आन वाला कोई, इसलिए मृत्यु से पहले कुछ ज्ञान बतलाते जाओ हमें। एक ज्ञानी अपना अनुभव बतलाते जाओ हमें। अब इतना समय कहाँ है पीठी का पाठ पढ़ा सकूं, और राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। दो ही बातें याद रखना,
अच्छे काम में देरी नहीं और दुष्कर्म को टालना अच्छा। मैंने सोचा था लंका से स्वर्ग का सीधा रास्ता बनाऊंगा, पर स्त्री हरण करके सब कुछ गवा लिया। ये परिणाम तुम्हारे सामने है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आने ना दिया लंका में जीते भी तुम्हारे को जा रहा हूँ आगे तुम्हारे तुम्हारे धाम को। जय को आज्ञा देंगे जो लंका से जाकर माता सीता को लेकर आएंगे और उसके बाद पूरे राम दरबार की यहाँ पर आरती होगी। सबसे पहले प्रार्थना करूंगा हमारे लेफ्ट पर जो भी लोग हैं फिर भी थोड़ा दूर हो जाए तो सीधे पहले पहले वैसे कर देना। सभी पार्टी से इस तरफ आ जाएंगे। ये हम लोग का पूजन कर रहे हैं गुरु की ओर से जो रामलीला के गुरु हैं जिन्होंने ये पूरा संचालन किया है अरविंद देवी और ये साल दोनों ने पूजन किया है। इन दोनों ने जिन तीरों का पूजन किया है वही तीर भगवान राम को देंगे और वो तीर जब भगवान राम चलाएंगे तो उसी तीर से दहन होगा। ये एक तीर तो ये अरविंद नेहरी जी जो गुरु हैं रामलीला के उन्होंने भगवान राम को तीर दिया और ये गीत भारद्वाज जी ने तीर दिया और ये प्रफुल्ल भाई ने दिया। इन तीरों से हम आप देखेंगे रावण का धनु का शंख बजाए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। भगवान राम ने Thank you.
सभी दर्शकों को विजयदशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि पूरे वेस्टर्न कनाडा में आपका मंदिर, भारतीय कल्चरल सोसाइटी का मंदिर, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर पिछले 12 वर्ष से रामलीला हो रही है और रावण दहन हो रहा है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो कल्चर है, उसका जो सिंबल है ये रावण दहन, ये आज यहाँ पर हुआ। अरविंद एरी जी जो 12 साल से इस रामलीला का निर्देशन कर रहे हैं, और हमारे साथ जीत भारद्वाज जी जिनका ओवरऑल डायरेक्शन था, इन दोनों के सहयोग से हमने अपनी परंपराओं को जीवित रखा है और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। आप सबको फिर हैप्पी विजयदशमी, हैप्पी दशहरा। एडमिंटन निवासियों को दशहरा की बहुत बहुत बधाई। एडमिंटन में पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ दशहरा मनाया जाता है और रामलीला मनाई जाती है। मैं एडमिंटन वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सभी एडमिंटन वासियों को, हारमोनी टीवी के सभी दर्शकों को एक बार पुनः दशहरे की बहुत बहुत बधाई। आज ये दशहरे का कार्य संपन्न हुआ भारतीय कल्चरल सोसाइटी में, जिसकी शुरुआत हमने कल रामलीला से की। ये 12वीं रामलीला थी यहाँ पर भारतीय कल्चरल सोसाइटी के प्रांगण में। बहुत सारा काम बहुत सुचारू रूप से संपन्न हुआ। दर्शकों ने बहुत उत्साह दिया हम सबको, सभी दर्शकों का जो यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा का, जो कि पूरी एक इन्होंने हमें सहयोग दिया, और उन सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने पिछले एक महीने से पूरी मेहनत की ताकि राम कथा को एडमिंटन वासियों तक यहाँ पहुँचाया जा सके। बहुत भाग्यशाली हैं हम कि पिछले 12 सालों से हमें यह मौका मिल रहा है यहाँ दूर अपने वतन से, घर से, देश से पहुँच कर यह कथा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः हारमोनी टीवी का और आपके सभी दर्शकों का। आप सभी को दशहरे की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। एडमिंटन भक्तों को, राम जी भक्तों को सभी का दशहरा शुभकामना है। आप सभी का राम जी का आशीर्वाद प्राप्त ले, और साथ साथ भगवान श्री राम जी का, लक्ष्मण और सीता जी का, सीता देवी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। सभी भक्तों को आयु आरोग्य दे। जय हनुमान। सुनने वाले दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत जल्द आ रही है, और रामलीला का दृश्य बहुत ही सुंदर रहा मंदिर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय कल्चर परिवार के सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई हो। आपके मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी बहुत ही धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया गया। थैंक यू वेरी मच।